नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत ने कश्मीर पर बातचीत की पाकिस्तानी पेशकश को ठुकराया। बलूचिस्तान मामले में आक्रामक रुख अपनाने के बाद में भारत ने पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया है। दरअसल भारत ने कश्मीर पर विदेश सचिव स्तरीय बातचीत के पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। भारत ने दावा किया है कि आतंकवाद अब भी मूल चिंता का विषय बना हुआ है, जिस पर बात करने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को पाकिस्तान ने भारत को कश्मीर मुद्दे पर बातचीत का न्योता दिया था। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत। बिहार के गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में कथित जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई तथा कुछ लोग अभी भी बीमार हैं। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि हरखुआ खजूरवाड़ी गांव के कुछ लोगों ने 15 अगस्त की देर शाम कथित रूप से शराब का सेवन किया था। शराब पीने के बाद उल्टी की शिकायत के बाद करीब 16 लोगों को सदर अस्पताल के अलावा विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ मंगलवार शाम से बुधवार सुबह तक कुल 13 लोगों की मौत हो गई। बस्तर में मुठभेड़, 4 नक्सली मार गिराए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। इस घटना में एक पुलिस जवान भी घायल हुआ है। राज्य में नक्सल मामलों के विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बताया कि बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की सीमा पर पुंगार पहाड़ी के जंगल में पुलिस ने मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। घटना में एक पुलिस जवान भी घायल हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का बचकाना बयान, राष्ट्रपति चुने जाने पर छोड़ दूंगा कट्टरता। अमेरिका आने वाले लोगों के लिए एक बेहद कड़ी जांच प्रक्रिया का प्रस्ताव देने के एक दिन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि वे राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो कट्टरता, घृणा और शक्ति छोड़ देंगे। ट्रंप ने फेसबुक पर डाले गए एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी जनता के प्रति मेरा यह संकल्प है कि आपके राष्ट्रपति के रूप में मैं आपका सबसे बड़ा शूरवीर होऊंगा। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ूंगा कि हर अमेरिकी के साथ समान व्यवहार हो, उसे समान सुरक्षा मिले और उसे समान सम्मान मिले। अमेरिका में आग से 82,000 से ज्यादा लोग बेघर। अमेरिका में लॉस एंजल्स में लगी आग तेजी से फैल रही है। इस वजह से 82,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच कैलिफोर्निया के गवर्नर ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। इनसी वेव सूचना साइट के मुताबिक तकरीबन 34,500 इमारतों के आग की चपेट में आने का खतरा है। गवर्नर जेरी ब्राउन ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।